रेसिपी हमारी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है और यह है शामी कबाब रेसिपी। आप इस और ये बहुत ज्यादा इजी रेसिपी, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। सो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी मटन शामी कबाब रेसिपी, हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। हमने ले लिया था आधे किलो मटन, जो हमने मशीन में बिल्कुल बारीक करवा लिया है मशीन से, और उसमें डलेगा एक प्याज, एक लहसुन, 12 लाल मिर्च खड़ी मिर्च और 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून गोल धनिया, ये तेजपात का पत्ता, बेल लीफ और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है हमने, और 7-8 हमने ली है, 7 से 8 हमने लिए सिया मिर्च और छोटा सा टुकड़ा है ये जावित्री का है। हमने कप डाली थी जो हमने भिगो दी थी और ये इसमें डलेगी, और 2 अंडे लिए हैं हमने, वो बाद में डलेंगे, बाद में हम बताएंगे आपको, हम बताते हैं आगे का प्रोसीजर। तो गाइस अब हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस अब आप देख सकते हैं हमने कुकर ले लिया है, अब हम इसमें अपना मटन ऐड कर देते हैं। तो मटन था वो हमने इसमें डाल दिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अपनी चने की दाल ऐड कर देते हैं जो हमने सोक करके रख रखी थी, आपको भी इसी तरीके से ऐड कर देनी है। अब हम इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं जो हमने आपको दिखाए थे, जीरा धनिया और सब हम इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देते हैं, आपको भी इसी तरीके से ऐड कर देना है। अब हम इसमें अपना और मिर्च और सब ऐड कर देते हैं जो हमने आपको दिखाई थी, लाल खड़ी मिर्च ऐड कर दी है हमने, हमने इसमें लहसुन ऐड करने हैं ऐसे, ये हमने प्याज ऐसे रैंडमली काट ली है, ज्यादा मोटी मोटी हमने जो ये है प्याज अभी काट ली है वो ऐसे डाल दी। हम चलती हूँ, हमने 1 कप ऑफ वाटर, इसमें ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि जो गोश्त है जो हमारा मटन है उसमें से भी पानी रिलीज होता है। इसमें वाटर ऐड करा है, 1 कप वाटर ऐड करा है हमने, इसमें करनी है हल्दी, हम पलक के लिए ऐड करे हैं, 1 टीस्पून हमने नमक ऐड करा है, आपने टेस्ट के हिसाब से नमक रखिएगा, अगर आपको कम लगे तो हम बाद में भी टेस्ट करके डाल सकते हैं, कम ही रखना नमक। तरीके से मिक्स कर लेते हैं, आपने देखा हमने इसे कैसे मिक्स किया, आपको भी इसी तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने 1 इंच अदरक भी ऐड करना है, हम ऐसे ही रैंडमली से कट करके डाल देंगे। अदरक को मिक्स कर लेना है, अब हमें इसे 2 से 3 सीटी लगा देनी है, देख सकते हैं हमारे 2 से 3 सीटी आ चुकी है। अब हम अपने कुकर की लीड ओपन करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देना है, तो गाइस हमने फ्लेम भी ऑफ कर दी थी, अब हम इसके लीड ओपन करेंगे। हमने कुकर की लीड ओपन कर ली है, इसमें दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा पानी है, वो हमें बिल्कुल ड्राई करना है, और आप देख सकते हैं ये हमारी दाल भी गल चुकी है और हमारा जो मटन है वो भी गल चुका है, और हमें इसे पानी को बिल्कुल ड्राई करना है। तो गाइस आपको भी इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है या कि आपके कबाब बहुत ज्यादा टेस्टी बनी। हमें पांच मिनट लगेंगे बस इसे ये ड्राई करने में, इसमें पानी ना रहे बिल्कुल, ये खुश्क हो जाएगा, देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है, आपको भी इसी तरीके से ड्राई कर लेना है। हमारा जो मटन है वो भी गल चुका है, हमारी दाल है वो भी गल चुकी है, और ये देखिए बिल्कुल हमने इसे ड्राई कर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमने एक बाउल ले लिया है, आपको भी इसी तरीके से एक बाउल ले लेना है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं, इसे हम थोड़ा ठंडा सा कर लेंगे बाउल में निकाल के। अब हम इसमें से एक एक करके सारी बेल लीव्स निकाल लेते हैं, आपको भी इसी तरीके से सारी बेल लीव्स निकाल लेनी है। हमने इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करना है, 2 ब्रेड के पीस लिए हैं वो ऐड करने हैं, ब्रेड ऐड करने से हमारे जो कबाब हैं वो बहुत क्रिस्पी और टेस्टी भी लगते हैं। तो गाइस हम इसमें अपने 2 एग ऐड कर देते हैं, आपको भी इस तरीके से अपने
दो अंडे ऐड कर देने हैं। अब हम इसे ग्राइंड करके लेकर आते हैं। सो गाइस आपको भी इसी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। इसे ग्राइंड कर लिया है, आपको भी इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। अब हम इसमें अपने दो मीडियम साइज हमने बारीक प्याज काट ली है, हमने थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर लिया है, 10 हरी मिर्च चॉप कर ली है और अदरक 2 इंच अदरक हमने चॉप कर लिया था बारीक। आप अपने मिर्च आप ये जो हरी मिर्ची है अपने हिसाब से डालिएगा। अगर जैसे ज्यादा तेज लेते हैं आप मिर्चे तो इसमें ज्यादा डालिए, वरना इसकी जो मिर्ची की क्वांटिटी है वो कम रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने लाल हरी मिर्च इसमें भी डाल दी थी पहले से ही। अब हम इसमें ऐड करेंगे। सो गाइस आपको भी इसी तरीके से सारी चीज ऐड कर देनी है। सो गाइस आपको भी इसी तरीके से अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आपको भी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस जगह आप अपना सॉल्ट भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम या ज्यादा लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा सॉल्ट बिल्कुल ठीक है जो हमने डाला था। सो गाइस आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, आपको भी इसी तरीके से मिक्स कर लेना है। हम इसके कबाब बनाते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने छोटी कटोरी में पानी लिया है थोड़ा सा, अब हम इसके कबाब बनाएंगे। आपको भी इसी तरीके से कबाब बना लेने हैं। हल्का हल्का हाथों पे पानी लगा के फिर हमें कबाब बनाने हैं। आपको इसी तरीके से एक एक करके सारे कबाब बना लेने हैं। आप चाहें तो इसी शेप में बना सकते हैं, वरना कोई और शेप भी दे सकते हैं। जब आप देख सकते हैं हमने अपने सारे कबाब बना लिए हैं, आपको भी इसी तरीके से बना लेने हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने ऑयल ले लिया है, अब हम इसमें अपने कबाब फ्राई करते हैं। आपको भी इसी तरीके से कबाब फ्राई कर लेने हैं। आप देख सकते हैं हमारे कबाब हो चुके हैं फ्राई और ये कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। इन कबाब की खासियत होती है बाहर से क्रिस्पी होते हैं और ये अंदर से सॉफ्ट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप हमारी रेसिपी से ट्राई ज़रूर करिएगा। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने इसे इतनी अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है और ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं। अगर आप मेरी वाली रेसिपी से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। देख सकते हैं यह है हमारे कबाब का फाइनल लुक और ये कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप हमारी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपके कबाब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपीज प्रोवाइड करता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो बताइए किस चीज़ पर बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़।